हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शनि की महादशा और शनि में केतु की अंतरदशा चले किसी जातक के तो किस प्रकार के फलित होते हैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। शनि केतु जो एक वर्ष एक माह नौ दिन चलता है, शनि की महादशा टोटल 19 वर्ष चलती है और शनि में केतु का अंतर एक वर्ष एक माह नौ दिन है। शनि महादशा में अंतरदशाओं की मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। जो विंशोत्तरी दशा होती है, विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है जो सामान्यतः सभी मानव को मिलती है। अब लेकिन सभी मानव 120 वर्ष जीवित नहीं रह पाता, अधिकतर लोग 100 वर्ष के कम में ही डेथ कर जाते हैं। तो ये जो आपका जन्म नक्षत्र है वही बड़ा मुख्य होता है, उसी के आधार पर विंशोत्तरी की दशा बनती है और उसी के आधार पर ज्योतिषी जो हैं आपको फलित कर सकते हैं, फलित देते हैं। तो फलित देने की, आपके बारे में बताने की, भविष्यवाणी भविष्यकथन करने की विंशोत्तरी एक विशेष दशा और महान दशा है। उसी से अधिकतर एस्ट्रोलॉजर अपनी ये बात बताते हैं कि आपकी कैसी स्थिति है, आपको क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या कैसी आपकी घटनाएं घटित आपके जीवन में होगी, तो विंशोत्तरी दशा से बताई जाती है। नवग्रह की यह दशाएं महादशा के रूप में नहीं जाती, सभी ग्रहों की महादशा चलती है, ठीक है। नवग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। और एक खास बात यह है कि जब आपकी दशाएं चेंज होती है, जैसे कि मान के चले कि आपकी गुरु की दशा खत्म हो रही है और गुरु के बाद दूसरी दशा चालू हो रही है, तो वो दशा पीरियड, दशा छिद्र कहलाता है, बीच का जो समय, उस समय मानव के जीवन में कष्ट होता है और वो कष्ट थोड़ा तकलीफ देह होता है। उस समय मानव बहुत कष्ट में इधर उधर भागता है और अपना नुकसान करा लेता है। तो आपको ऐसे समय में सावधानी से बिताना चाहिए कि कोई कुछ दिनों का प्रॉब्लम होता है, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा या निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच का है, उच्च का, शत्रु और मित्र राशि विचार है और गोचर ग्रह की दशाएं आदि आदि। शनि यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फूल देगा। उसी तरीके से केतु, केतु यदि अच्छी प्लेसमेंट में होगा तो अच्छे फूल देगा, यदि बुरे भाव में होगा तो निश्चित रूप से उसके फल अच्छे नहीं होंगे। शनि आपकी दशा चल रही है शनि में केतु का, तो आपको शनि के कारकत्व तो भी जानना जरूरी है। लेकिन मैंने पूर्व के वीडियो में शनि के कारकत्व तो बता चुका हूँ, जैसे मेरा शनि में शनि और शनि में बुध, तो शनि में शनि जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं, तो उसमें शनि के कारकत्व तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं केतु के कारकत्व जरूर बता देता हूँ। केतु के बारे में कहा गया कि जो बारवा केतु होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से अति शुभ होता है। जिसके सज्जन का बारवा केतु है आध्यात्मिक दृष्टि से, उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। राहु के द्वारा इंगित सभी रोग केतु से क्या है, राहु और केतु का लगभग एक सही माना जाता है, ठीक है, या राहु को शनि के जैसे माना जाता है। तो इसके कुछ खास बातें हैं और ये भी मेडिकल के लिए, यदि आपकी दशा शनि में केतु की चल रही है और आपको मेडिकल से संबंधित हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें होने वाले रोग, अनिश्चित कारण वाले रोग, महामारी, छाती युक्त ज्वर, जहरीले संक्रमण से होने वाले संक्रामक रोग, आंत्रकर्मी, बहरापन, दोषपूर्ण वाणी, रोग निदान में त्रुटि, मंगल के सदृश होने वाले, मंगल के जो रोग होते हैं वो सारे रोग इससे भी होते हैं। मंगल के सदृश होने के कारण केतु शल्यक्रिया को भी इंगित कर देता है, मतलब चीर फार सर्जरी का भी कारक जो है केतु होता है। केतु के और भी कारकत्व जैसे दर्दनाक ज्वर, घाव, उदर पीड़ा, चेचक, शीतला माता, चिकित्सा, मोक्ष, समस्त ईश्वर, मंत्र शास्त्र, मानसिक अस्थिरता, ब्रह्म ज्ञान, पशु का ज्ञान, जंतु शास्त्र, शांत रहना, धार्मिकता, वेदांत, भाग्य, भोजन की बचत, पत्थर, सभी ईश्वर, राम दादा, शिव का शेषक, चंडीश्वर, गणेश आदि की उपासना, कुत्ता, मुर्गे, बाज, गंगा स्नान, वायु विकार मुक्त, सब बहुत सारे इसके बंधन है, केतु का कारकत्व है। अब आपका यदि केतु शनि की महादशा में केतु के अंतर, अब देखा जाएगा आपका केतु कैसी प्लेसमेंट है। शनि की दशा में केतु का अंतर हो, केतु स्वच्छ हो, स्वराशि का हो, शुभ राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में भी हो, में हो तो शुभ ग्रह से युत हो, शुभ ग्रह के साथ हो, ठीक है, अच्छे ग्रहों के साथ हो, बैठा हो, तो उसकी दशा में उसकी दशा में स्थान का नाश, भय, दरिद्रता, कष्ट, विदेश यात्रा आदि अशुभ फल होते हैं। यदि लगने से संबंध हो तो दशारम में सुख और धन लाभ, गंगा तीर्थ स्थान और देवता का दर्शन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शनि, भले ही शनि में आपकी केतु की चल रही है और केतु आपका अच्छी स्थिति में भी बैठा है और केंद्र त्रिकोण में भी बैठा है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं कहे हैं, है ना, स्थान का नाश, भय, दरिद्रता, तो कुल मिला के केतु एक नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो अनुभव है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ एक कुंडली में ऐसा हो सकता है कि केतु अच्छी प्लेसमेंट में भी बैठ के बुरे ही फल देता है, लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें केतु अच्छे प्रभाव भी देता है। तो फिर भी ये मेरा मानना है कि यदि केतु केंद्र में बैठा है, तृतीय स्थान पे बैठा है, अच्छे स्थान पे बैठा है, तो निश्चित रूप से वो, क्योंकि ये केतु जो है यहाँ पे वृश्चिक राशि में, केतु वृश्चिक में उच्च का माना जाता है और धनु राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। तो जैसे केतु यहाँ पे चौथे स्थान पे बैठा है या तीसरे स्थान पे वृश्चिक राशि में बैठा है, ये कन्या लग्न की कुंडली में आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो अच्छे फल देगा। लेकिन मोटा मोटा जो फलित कहा गया है होरा शास्त्र में कि वो ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ओके, तो इसके उपाय भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसके उपाय भी बताए गए हैं। केतु यदि दशापति से केंद्र त्रिकोण तीसरे 11वें भाव में हो तो सामर्थ्य धर्म बुद्धि राजा का दर्शन सब सुख होता है। देखिए, केतु यदि दशापति से, यदि दशापति कौन होगा, यहाँ पे आपका शनि होगा, शनि की महादशा चल रही है, तो आप शनि की कुंडली बना के देखना होगा आपको कि शनि की कुंडली से केतु कहाँ बैठा है। ठीक है, मान के चलो कन्या लग्न की कुंडली है और उसमें केतु लग्न में बैठा है, तो एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको इस तरीके की कुंडली बनानी होगी और केतु को देखना होगा कहाँ है। यदि केतु दशापति से ये केंद्र में, चारों स्थान केंद्र कहलाते हैं, और यहाँ पे केतु अपनी स्वराशि में बैठा तीसरे स्थान में, उसकी स्वराशि कहलाती है, उच्च राशि कहलाती है वृश्चिक राशि, तो ये लाभ स्थान पे बैठा है 11वें स्थान पे, और यहाँ पे मूल त्रिकोण में बैठा है ये, यहाँ पे 5वें में और 9वें में, तो ये शुभ प्लेसमेंट है। ऐसे में केतु के बारे में कहा जा रहा है कि केतु सामर्थ्य धर्म बुद्धि राजा का दर्शन सब सुख, मतलब बहुत पॉजिटिव बात कही गई है। लेकिन आपको ये प्रडिक्शन देखने के लिए, ये सिद्धांत अप्लाई करने के लिए, आपको दशापति की यानी कि शनि महाराज की कुंडली बना के देखना होगा, जो आप बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। केतु यदि दशापति व लग्न से भी 8वें बारे में हो तो आप मृत्यु कब है। ठीक है, यदि केतु आपके लग्न से, जैसे यहाँ कन्या लग्न की कुंडली उदाहरण से बताई जा रही है, तो लग्न से केतु 12वां या 8वां हो तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। क्या क्या हो सकता है, ये जो ओरिजिनल पारासर की किताब में है वो मैं लिख रहा हूँ, अपमृत्यु भय। अपमृत्यु भय का मतलब ये शब्दों में मत जाइए, हमेशा मृत्यु नहीं होता इसका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए, भोजन शीत ज्वर अतिसार व्रण बीमारी, चोर भय, चोरी हो जाए आपके घर में, स्त्री पुत्र का वियोग, स्त्री पुत्र को कोई कष्ट मिल जाए। ठीक है, ऐसे कुछ प्रडिक्शन बताए गए हैं कि यदि केतु दशापति से या लग्न से 8वें और 12वें भाव में बैठे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ये सिद्धांत तो सर्वविदित है, केतु यदि 6वें 8वें 12वें भाव में ग्रह होते हैं तो अच्छे रिजल्ट नहीं देते। ये तो एक सामान्य सिद्धांत है जो सभी प्रकार की महादशाओं में ये बात जाहिर होती है और पता लगती है। अभी तक आगे भी हमने दूसरे इसके वीडियो बता चुके हैं, तो इसका भी उपाय मैं बता रहा हूँ कि ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए। देखो, ऐसी इसके लिए कोई अभी इसमें कोई भी किसी प्रकार के उपाय आपको नहीं दिए हैं। ठीक है, तो उपाय आगे दिए हैं कि तदोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रम जपेत, ऐसी स्थिति में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है और केतु का अंतर चल रहा है, केतु की अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, यदि आपको बुरे रिजल्ट आ रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए और आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, ये मेरा मानना है। शनि यदि आपकी महादशा शनि की चल रही है तो आपको ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं, शनि और केतु दोनों पापी ग्रह हैं, और मान के चलो आगे प्रत्यंतर जो चल रहा है वो भी मंगल का चले या शनि का चले या सूर्य का चले, तो बड़ा कष्ट हो सकता है। ऐसे समय में आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरुकमेव वंदनात् मृत्युमूर्च्छिमामृतात्, ये मंत्र ऋषि पारासर नहीं बताया है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रकार की और महंगी पूजाओं से बचें, वो केवल लूटने के लिए है। आपको यदि आपकी दशा चल रही है और ऐसी दशा में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, आप परेशान हो, तो मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र आपका ओम शनिश्चराय नमः हो सकता है, या मैंने और भी कोई भी मंत्र हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, या ओम त्र्यंबकम यजामहे हो सकता है, या हरे कृष्ण हरे रामा मंत्र वाल हो सकता है, 16 16 शब्दों का जो माला है वो मंत्र हो सकता है, मंत्र आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो मंत्र का जाप माला में करें, और एक माला में 108 गुरिया होते हैं, उसके पीछे कारण यह है कि 27 नक्षत्र के चार चरण होते हैं और 27 में चार का गुणा करने से 108 होते हैं। इसका मतलब यदि कोई शुद्ध मन से 108 एक माला कर लेता है तो पूरे 27 नक्षत्र के चार चरणों की पूजा और विनय निवेदन कर लेता है। तो यदि वो ऐसा कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। इसके बाद भी कोई जब तक लगातार को लंबी लंबी पूजाएं कर रहा है और बहुत परेशान है, तो वो ईश्वरी प्रारब्ध मानकर थोड़ा कष्ट सहने की आदत उसको डालनी चाहिए, लेकिन किसी भी पंडे पुजारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
कोई भी रातों रात चमत्कार नहीं होगा। आपके जीवन की जो उपलब्धि है वो आपके कर्म पे डिपेंड है, ना कि शनि और मंगल पे। ठीक है, आप अच्छा कर्म करोगे और मेहनत करोगे, निश्चित रूप से आपको जॉब में सफलता मिलेगी, हर जगह सफलता मिलेगी। यदि आप सिर्फ ज्योतिष के भरोसे रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो बहुत बुरी तरीके से हार जाओगे आप लोग। याद रहे ये ज्योतिष की कुछ सीमाएं, हर बात के लिए ज्योतिष नहीं होता। ज्योतिष तो राजा महाराजाओं के लिए लिखी गई थी, उनको कुछ इशारे करते थे ज्योतिषी कि ये समय तुम्हारा पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन अभी तो क्या होता है कि छोटे मोटे लोग, मजदूर आदमी भी ज्योतिषियों के चक्कर काटता है और बहुत रातों रात तरक्की चाहता है, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा कहीं पर भी ज्योतिष में नहीं लिखा है कि उसको रातों रात तरक्की ऐसे मंत्र पढ़ने से होगी, वो कर्म ना करे, घर में बैठे रहे, कोई कोई व्यक्ति कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो पढ़े ना, और वो शनि और मंगल राहू के मंत्र पढ़ ले और पास होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऋषि पाराशर ने जो आपको खास बात बताई है गृह शांति के उपाय में, गृह शांति के उपाय में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य से लेकर राहु केतु शनि के मंत्र से गृह शांति होती है। आपकी जैसी दशाएं चल रही, जैसे सूर्य में शनि में केतु की चल रही, तो आप केतु का मंत्र पढ़ लीजिए, केतु का मंत्र बड़ी आसानी से कहीं पर मिल जाएगा आपको, उसका पाठ कर जाप कर लीजिए। और ऋषि महाराज ने बताया, ऋषि पाराशर ने दान में स्वर्ण दान, चांदी का दान, स्वर्ण मूर्ति की प्रतिमा और छाग दान, भैंस दान, बकरा दान, गाय का दान, काली गौ का दान, कपिला गौ का दान, अश्वदान, घोड़े का दान, ठीक है, कहा गया। लेकिन आज से 3000 वर्ष पहले ये सब चीज़ें लिखी गई हो, जो राजा महाराजाओं की लिखी गई ज्योतिषी है, ज्योतिष लिखी गई थी, उन लोगों के पास बहुत सारी गाय होती थी, हजारों लाखों गाय होती थी, उनके पास अथाह सोना होता था, तो वो सोने की मूर्ति बना के शिव की पूजा करेंगे। हम गरीब लोगों के लिए ज्योतिष नहीं लिखी गई थी, ये याद रखना। ज्योतिष तीन लोगों के लिए लिखी गई थी, जो द्विज होते थे, वैश्य, राजपूत और ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, इन लोगों के लिए लिखी गई थी। तो इनके पास अथाह पैसा होता था, इन लोगों को बताते थे ब्राह्मण लोग कि शिव की सोने की मूर्ति बनाना, वो बनाते भी थे। आप लोगों को नहीं करना, आपको, आप गरीब हो तो आपको कोई भी दान नहीं करना है। आप इन बातों को अक्षर से मान्य, तीन हजार वर्ष बाद भी इन बातों को अक्षर से मान्य करना गरीब भोली भाली जनता के साथ अन्याय होगा। अतः आपको सरल और निःशुल्क उपाय करना होगा, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्री जप, महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, शिव की पूजा आदि के विषय में कहा गया है। आदित्य हृदय स्रोत भी बहुत अच्छी है, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिसकी सूर्य की महादशा चल रही है, तो वो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ कर सकता है। दान गरीबों के लिए नहीं है, दान बहुत संपन्न लोगों के लिए है। आपसे निवेदन है कि दान के चक्कर में ना पड़ें। यदि आपकी आर्थिक हालात बहुत अच्छे हैं तो आप दान करें। प्रतियोगिता वाले छात्र इस चक्कर में ना रहें, केवल अपनी पढ़ाई लिखाई करें तो सफलता मिलेगी, नहीं तो ये शनि तुमको ले डूबेगा, पक्का जान लेना, ठीक है। गरीब व्यक्ति कोई दान ना करें। गर्भवती माता, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, एडल्ट जो बालिकाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, एडल्ट लड़कियां हैं, टीनेजर हैं, वो अच्छा खाएं, शनि के चक्कर में ना रहें, कोई महादशा के चक्कर में ना रहें, और वो अच्छा खाएंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। एक और खास निवेदन है कि बहुत सारे जातक क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो दान भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुनिया भर की पूजा करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, कोई एक मंत्र जाप करें, उसमें सफलता है। यदि आप लगातार कोई पाठ ऑलरेडी कर रहे हैं तो भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो परेशानी है कुछ महीने 15 दिन के बाद आती है, इसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला होता है। इसी समय हमें आप लोग लूटते पिटते हो, जब ये 15-20 दिन की परेशानी बढ़ती है, एक महीने या 6 महीने की, तो आप उसमें बहुत लूटते पिटते हो, क्योंकि डर जाते हो, तो उस समय आपको सावधान रखना चाहिए। हर बुरा समय के बाद अच्छा समय आता ही आता है, और ये बुरे समय में जो ये ज्योतिषी वाले लोग हैं, ये पुरोहित लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, टोना टोटके वाले लोग हैं, ये आपको लूटपाट करते हैं और लाखों की क्षति आपको पहुँचाते हैं। आपको एक और खास बात बता दूं, नवग्रह स्त्रोत्र में ऐसा विकल्प है, एक नवग्रह स्त्रोत्र करने से आपके पूरे नवग्रह की शांति हो जाती है। इसमें निशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोगों से निवेदन हो कि ये सस्ते उपाय करिए। और होरा शास्त्र में 8 या 9 बार लगभग विष्णु सहस्त्रनाम का नाम आया है, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी सारे ग्रहों की शांति होती है। ग्रह की शांति बड़ी बड़ी पूजाओं करने से या किसी को दान देने से नहीं होगी। गरीब आदमी किसको दान देगा, जिसके पास खाने को दान नहीं, उससे कहते हैं लोग कि दान दे दे, शिव की मूर्ति बना दे, नहीं ये तो बहुत बड़ा अपराध है और आपराधिक षड्यंत्र है। भारत में हजारों करोड़ों की लूट सराहना चल रही है, कोई काल सर्प योग तो कभी 7.5 से धनी शनि का ढैया, तो ग्रह शांति, पितृदोष, मातृदोष, ऋण, इतने प्रकार के दोष बता के लूटपाट चल रही है, तो लूटपाट से बचें, ऐसा मेरा निवेदन है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।